आपके पास गया, हमारे कार्यकर्ता का सभी कार्यकर्ता था, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस और इस तरीके की बिल्कुल 2000 रुपए बाबू ने मांगे आपसे, मैंने कहा सारे कागज थे उसके पास। ऑफिस की बात है, कचहरी में करने वाली नहीं है, जितने लोग होंगे सब निकल आएंगे। नहीं आप सबको जेल भेज दो ना, सबको जेल भेज दो, अभी सबको बात करो। नहीं इनको जो करना है कर लें, दो बात करो। एक आप लोग एक काम करो, ऊपर चले जाओ, सीएम साहब से लिखा लाओ कि पुलिस को कोई भी अधिकार नहीं है चेकिंग करने का, हम अपनी गाड़ियों की चेकिंग नहीं करवाएंगे। मैडम आपको अधिकार, आपको पूरा अधिकार है, लेकिन भाजपा के ही कार्यकर्ताओं को क्यों गिरफ्तार करा जा रहा, क्यों उनके साथ ये नाइंसाफी की जा रही है? ये सब भाजपा के, अब ये प्रमोद जी को आपने गिरफ्तार कर लिया, उसके कागज बना दिए, क्या गलती थी 200 रुपए का उसने चलान में भर दिया, उसके बावजूद उसके मोटरसाइकिल की चाबी निकाल दिया, बदतमीजी हाथापाई करी आपके कर्मचारियों, आपके साथ मैं अभी आपके ऊपर लिखा दूंगी। पहली बात तो सरकारी ऑफिसर से इस तरीके से बात नहीं कर सकते आप, भेज दीजिए। दूसरी बात तो सब आप बताओ, भाजपा के हो कि बसपा के हो, भाजपा के ही नेता हो ना, कल कहोगे भाजपा के साथ हम जो बात सही है अगर उसे सही तरीके से आपको कहकर आपको ये लगता है कि आप ये हमारे साथ बदतमीजी कर, ऑफिस में लाओ 2000 लाओ, कहाँ देके आए हो मुझे दिखाओ। नहीं क्यों दें हम 2000, नहीं दिए ना, नहीं दिए, झूठा ब्लेम क्यों लगा रहे हो? नहीं मैं खुद गया हूँ, मेरे साथ कार्यकर्ता थे। नहीं कोई नहीं, मेरे समय से चालान में जितना है उतना ही जा रहा है, झूठा ब्लेम नहीं। रही बात प्रमोद की, और मुकदमा ठोक दूंगी 354 का, ठोक दो आप, सब ठोक दो, मैं वहाँ खड़ी हूँ। अगर कुछ आप लोग जो करोगे वो लगेगा, और ये 50 तब भी डरने वाली नहीं हूँ, ठीक है, सक्षम आज हूँ कल भी रहूंगी। और फालतू की बात नहीं, इतना चालान का झगड़ा यहाँ कचहरी में नहीं निपटाओगे आप। 2000 रुपए मांग लिए, किसने मांग लिए 2000 रुपए? चालान के नाम पे 2000 रुपए मांगे जा रहे हैं, सबके साथ ये हो रहा है, ये क्यों भीड़ आ रही है इस वजह से? कोई नहीं मांगता, सिर्फ आपको शिकायत है, और किसको शिकायत है? किसी को नहीं शिकायत, सबको है, सभी जो लोग खड़े हैं ये जो आए हैं इसीलिए। सीएम साहब के पास चले जाओ, बोल दो पुलिस का अधिकार नहीं है चालान करने का, हम नहीं करवाएंगे। हम वहाँ पे रात में परिवार को छोड़ के इसलिए नहीं खड़े होते कि मजे लेने के लिए खड़े होते हैं, ड्यूटी करते हैं, इसके बाद आपका धरना देख रहे हैं, ड्यूटी करते हैं वहाँ पे, हमें नहीं खड़े होने का शौक है वहाँ पे। हमारे हमारा के ऊपर हाथ छोड़ रहा है वो आदमी, हमसे बदतमीजी कर रहा है, एसओ से बदतमीजी कर रहा है, ऐसे आदमी भाजपा का आदमी है? नहीं, आप लोग भाजपा को भी बुरा बना रहे हो, धीमे धीमे पार्टी में निकलने लगेगा भाजपा के गुंडे, आप लोग ये बना रहे हो अपने को। आप तो अपनी बात रखने के लिए कुछ भी कह रहे हैं, आपके अधिकार है, आपके भी तो अधिकार है, आप लीगल बात कहो तो मैं सुनूं। आखिर वही की यही क्यों आए? बाकी तो कल चेकिंग हमने कम से कम 2000 आदमी की, हमने सबको तो नहीं बंद किया, इसके बाद भी फूल होने को कहा गया और तो कुछ ना कहा, क्या था चाबी मांगी थी, मैं वहीं था, फिर आप जरूर आप बिल्कुल यहाँ से लेके जा भगवान के शंकर मंदिर के शंकर भगवान में करवा दो हाथ मेरा, केवल चाबी मांगी इस पत्र साथ में, बिल्कुल खड़े नहीं। ये तो वो बंदे हैं जो आप चाहे तो हिंदू मुस्लिम के बीच में झगड़ा करवा दें, फोन करवा दें। आपका बेटा क्या कर रहा था? MBBS करने जा रहा था। नहीं कल जो मिला मुझे वो जा रहा था, वो जाता था उसमें जिम करने के, जिम में बिना हेलमेट जाएगा? नहीं मैं कह तो रही हूँ, नहीं नहीं चालान काटी है ना मैडम, सुनिए मैं कोई चालान काटी है ना, हाथ कैसे उठा सकती है? जुर्माना वसूल कीजिए, पुलिस मर्डर किया क्या उसने? हाथ कैसे उठा दिया मैडम? 15 थप्पड़ मारे केवल, इतना सा मामला, उसने चाबी मांग ली, मैं था, मेरा भाई था। दिखाओ रिकॉर्डिंग, दिखाओ रिकॉर्डिंग, अगर होती ना तो फिर और कहीं जाता मैं, हाथ से नहीं कहता मैं, कहीं भी जाओ, गलत किया है, कहीं भी जाओ, गलत करने पर हाथ उठाने का किसी को अधिकार नहीं है। मेरी बात सुनो, रात में करने से कोई जरूरत नहीं है, अपनी बात नाम करते हैं मास्टर, गलत कर रहे हैं, सबको जेल भेज देते।